आत्महत्या के एक करीब 16 साल पुराने मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले सास, ससुर और साले को कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला बहराइच जनपद के थाना बौंडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां एक युवक ने स्वयं की आत्महत्या की थी और उसके पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में सास, ससुर और सालों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अपने एक फैसले में इन सभी को दोषी पाते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जनपद में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 के न्यायालय पर मैं एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल कार्यरत हूँ। आज न्यायालय में एक मुकदमे में 2 महिला, जिसमें उसकी मृतक की सास श्याम प्यारी और उसकी पत्नी आशा देवी और आशा देवी के भाई प्रेमचंद को न्यायालय ने 5-5 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है और जेल भेज दिया है। संक्षेप में प्रकरण ये था कि इस मामले में मृतक गोरखनाथ अपनी पत्नी आशा देवी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया था। ससुराल वालों ने, जिसमें गोरखनाथ के ससुर रामनाथ, जो दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनके खिलाफ वाद समित किया गया और बाकी 3 को दंडित किया गया। प्रकरण ये वर्ष 2006 का है, जिसमें गोरखनाथ अपने ससुराल गया था आशा देवी को विदा कराने के लिए, तो ससुराल वालों ने, जिसमें ससुर रामनाथ, सास श्याम प्यारी और पत्नी आशा देवी और साला प्रेमचंद, इन सब ने उसको प्रताड़ित किया, जिसके कारण वह जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। तो इस आत्महत्या के लिए ये सभी ससुरालीजन, चारों मुलजिमान दोषी पाए गए और इन्होंने ही इनके दुष्प्रेरण के कारण गोरखनाथ ने अपनी जहर खाकर आत्महत्या की, जिसका मुकदमा थाना बौड़ी में दर्ज हुआ और पूरी विवेचना हुई और विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ और पूरे ट्रायल के बाद आज न्यायालय ने इन 3 को दोषी पाते हुए दंडित किया है और बाकी रामनाथ के खिलाफ मुकदमा उस समिति